कोटा में बारा रोड की सरस्वती कॉलोनी में कलयुगी मां ने 5 महीने के मासूम बेटे की निर्मम हत्या कर दी। हत्या का यह सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल सरस्वती कॉलोनी इलाके में सीताराम गोचर पत्नी और 5 महीने के मासूम के साथ किराए के मकान में रहता था। देर रात उसकी पत्नी दीपिका ने छत पर बनी पानी की टंकी में बेटे को फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही आरोपी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में दीपिका ने इस वारदात को अंजाम देना कबूल लिया है और फिलहाल पुलिस कारणों का पता लगाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। इस मामले में ये अब तक ये पाया गया कि बच्चे की हत्या उसकी मां के द्वारा की गई है और उसके द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने इस बात को स्वीकार किया है। उस पर महिला को गिरफ्तार किया गया है और आगे अनुसंधान